राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने एक बार फिर राजस्थान का नाम विश्व पटल पर रोशन किया। थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रिया ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में थाईलैंड के पटाया में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई। चैंपियनशिप में राजस्थान का भी नाम गर्व से ऊंचा हुआ है। ये नाम राजस्थान की बेटी प्रिया सिंह ने किया है। दरअसल प्रिया ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये वही प्रिया सिंह है जो साल 2018 से 2020 तक 3 बार मिस राजस्थान का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। बता दें बीकानेर जिले की मूल रूप से रहने वाली प्रिया की शादी 8 साल की उम्र में ही कर दी गई थी, लेकिन परिवार की खराब आर्थिक हालत के चलते प्रिया सिंह ने नौकरी की। प्रिया ने जिम में नौकरी के लिए आवेदन किया या उन्हें उनकी पर्सनैलिटी की वजह से नौकरी मिल गई। इसके बाद दूसरों को देख प्रिया ने जिम में ट्रेनिंग ली और राजस्थान की पहली सफल महिला बॉडीबिल्डर बनी। 2 बच्चों की माँ है प्रिया। इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट प्रिया 2 बच्चों की माँ है। प्रिया का कहना है कि एक महिला को बॉडी बनाने में एक आदमी के मुकाबले ज्यादा डाइट और मेहनत लगती है। उनकी सफलता के पीछे उनके परिवार ने साथ दिया, जिसकी वजह से वो आज सफल जिम ट्रेनर हैं। प्रिया को जिम करते हुए पता चला कि इसमें बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप भी होती है, लेकिन राजस्थान में कोई भी महिला इसमें नहीं जा सकी। बस उसी दिन से प्रिया ने चैंपियनशिप में जाने की ठान ली और लगातार डाइट व अन्य बातों को ध्यान में रखकर दिन रात मेहनत में जुटी रही। प्रिया सिंह का सोशल मीडिया पर अकाउंट है जिसमें लिखा है कि घूंघट से बिकनी तक का सफर। प्रिया सिंह के इंस्टाग्राम पर ही करीब 33,000 फॉलोअर हैं, वहीं सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस मुझे राजस्थान फर्स्ट फीमेल बॉडी बिल्डर का टाइटल है, मैंने नेशनल भी खेला है। राजस्थान में 3 टाइम मिस राजस्थान रही हूँ, 2018, 2019, 2020 और UNBBI फेडरेशन है, मैं उससे इंटरनेशनल खेलने गई थी और वहाँ मुझे गोल्ड लगा। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप दूसरी जो लड़कियाँ या महिलाएं जो क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स का गेम है, कोई गंदा हो या भद्दा गेम नहीं है। और लड़कियों से ऐसे कहना चाहूँगी स्पेशली कि आत्मनिर्भर रहें, और अगर आप आत्मनिर्भर रहेगी तो आपकी खुद अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं और किसी पे डिपेंड ना रहे। दूसरी बात ये होती है कि आप बॉडी बिल्डर हो, फिटनेस में हो, तो ये 24 आवर्स में से रेगुलर आप 1 घंटा अपनी एक्टिविटी करोगे तो आप खुद भी स्वस्थ रहोगे और फिट रहोगे। सरकार का क्या रवैया रहा आपकी उपलब्धि पर? देखो, मैं सरकार के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि सरकार को देख के ना मैं खेलने गई हूँ और ना कुछ और। आज तक 7 साल हो गए मुझे इस फील्ड में खेलते हुए। मुझे सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना मैंने कभी ज़िंदगी में उम्मीद की है सरकार से। मैं अपने बलबूते पे खेलने गई थी और मैं खेल के आई हूँ। ठीक, तो जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपको नजर आएगा। मैंने ये फील्ड इसलिए चुना कि बेटे बेटियों में फर्क खत्म कर सकूं। जो मुझे नहीं मिल पाया, मैं ये कभी नहीं चाहती कि हर बेटी को ना मिले। जो दौर था वो गुजर गया, आने वाला दौर बहुत अच्छा हो। मैं रिपीट नहीं करूंगी कि भी मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने ये सहा वो सहा, इसलिए नहीं करूंगी कि हो सकता है 100 लड़कियां सुन रही है उसमें से 50 वापस चली जाए और 50 आगे बढ़ जाए। मैं चाहती हूँ 100 सुन रही है मुझे तो 100 की 100 आगे बढ़े, और वो 100 एक दिन 1 लाख बनने में देरी नहीं लगेगी। बेटियों से मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत खुशी की बात है अगर आपके 5 बेटी है, 7 बेटी है, बहुत खुशी की बात है। और अगर किसी के 2 बेटा है तो भी खुशी की बात है। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि बीमारी करने से बेटा बेटी चेंज नहीं। हमारे तमाम बीकानेर के पार्षद, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पधारे हुए हैं। बीकानेर के सभी सम्मानित प्रभुजन और मंच पर विराजे हुए इस सम्मान समारोह में पता ही नहीं था, और ये सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आप सब लोगों ने आज इस मंच के माध्यम से भी कहा है, और मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि आपने सक्रिय रूप से करने की बात हो, भीड़ भाड़ वाले जो स्थान है वहां के लिए सुविधाएं देना हो। अभी 151 फीट का